पैक करने जा रहा हूँ लंच की तैयारी ऑफिस में ले जाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ दलिया। दलिया को मैंने भिगो लिया था, अब मैं इसमें डालूंगा प्याज, टमाटर, पालक, लहसुन, अदरक, और ये है हरी मिर्च, ये है मटर, ये है गाजर, और इसमें डालूंगा थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और ये है अपना प्रोटीन से भरा पनीर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मैंने कढ़ाई में ले लिया है देसी घी, इसमें डालूंगा थोड़े से क्यूमिन सीड्स, और इसमें डालूंगा मैं सेंधदाना, इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा। सॉरी ये हिल गया, तो इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। हमारा सेंधदाना और क्यूमिन सीड्स रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ अनियन। अनियन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब ज़्यादा नहीं गोल्डन ब्राउन करेंगे, नॉर्मल का करेंगे। तो आप घी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कम या ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। हमारे प्याज है थोड़े से पक चुके हैं, मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, और अब मैं डालने जा रहा हूँ इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। अब मैं करूँगा इसको मिक्स। अब मैं डालने जा रहा हूँ गाजर और मटर, इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मैं इसको ज़्यादा पकाता नहीं, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए। अब मैं डालने जा रहा हूँ टोमेटो, अब मैं डालने जा रहा हूँ पिंक हिमालय सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डाल रहा सॉल्ट। अब मैं डालने जा रहा हूँ स्वीट कॉर्न, अब मैं डालने जा रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी टमरी, और ये है रेड चिली पाउडर, मैं इन सबको मिक्स कर लूँगा। अब मैं डालूँ थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, हमने वैसे क्यूमिन सीड्स डाल दिए थे, अगर आपको नहीं डालना है क्यूमिन पाउडर तो ये ऑप्शनल है। बस मैं स्पाइसेस और नहीं डालूंगा इसमें, मैं इतने ही डालूंगा। अब हम इसमें डालते हैं पालक, मैंने पालक डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं 5 मिनट के लिए। अब मैं डालने जा रहा हूँ ब्रोकली और शिमला मिर्च। आप सब्जियों को अच्छे से डाइस कर लीजिएगा, अच्छे से चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास सुबह भी टाइम नहीं होता, तो मैं ऐसे ही काट लेता हूँ फटाफट, जैसे भी करती है शेप में। सब्जियाँ जो हैं अच्छे से कुक हो चुकी हैं, बट मैं थोड़ा सा क्रंचीनेस रखता हूँ, मैं ज़्यादा कुक नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको बताया न्यूट्रिशन इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं डालने जा रहा हूँ स्टेज में दलिया। दलिया मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मुझे थोड़ा वेजी ज़्यादा खानी है, दलिया मैं कम ही लेता हूँ। तो अब हम इसको कुक होने देते हैं। अब मैं डाल देता हूँ इसमें से थोड़ा सा पानी, और अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे, बॉईल, मतलब बेसिकली बॉईल आ जाएगा, और हमारे जो वेजेस हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगी, और जो दलिया है उसका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो दलिया हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं दलिया मैंने थोड़ा सा डाला था, और कैसे वो फूल के इतने ज़्यादा लग रहे हैं, तो बीच में वेजेस भी हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। अब मैं इसमें डाल देता हूँ कोरिएंडर लीव्स एंड पुदीना, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। मिंट का जो फ्लेवर आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दलिये में। दलिया रेडी हो चुका है, अब मैं गैस को कर देता हूँ ऑफ, और करूँगा लेमन स्क्वीज। अब मैं करने जा रहा हूँ लेमन को स्क्वीज, और हमेशा ध्यान रखिएगा गैस बंद करने के बाद ही लेमन स्क्वीज कीजिएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, मिंट की, पुदीना जो है, और कोरिएंडर लीव्स की, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों चीज़ें। तो चलिए ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। मैंने कर लिया है इसको ट्रांसफ़र, अब मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा अपना प्रो, यानी प्रो से है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन से हमारा पनीर। लग रहा है ना सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस, तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुपर हेल्दी लग रहा है, देखो यार, मतलब जो ब्रोकली है और जो पनीर है ऊपर से जो मैंने डाला है, और मिंट की जो खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे सुपर डिलीशियस हेल्दी रेसिपी।
को, और आप इसे लंच या डिनर में ले सकते हैं एक बाउल। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, बाय।